नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर नए भारत के निर्माण का आह्वान किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किए जा सकने के बारे में आई खबरों का खंडन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बिजली दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, मेहुल चोकसी ने विदेशी खातों में लगभग 3,250 करोड़ रूपये की राशि भेजी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वायदा किया। अफगानिस्तान में आत्मघाती बम हमले में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। और क्रिकेट में पांचवें और अंतिम क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 118 रन से हराकर 4-1 से श्रृंखला अपने नाम की। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर नए भारत का निर्माण करें। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच स्वामी विवेकानंद के भाषण का सार है। इस कार्यक्रम का आयोजन कोयम्बटूर स्थित श्री रामकृष्ण मठ ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास और देश प्रेम में आस्था का मंत्र दिया। स्वामी जी की परिकल्पना से भारत पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत एक साथ 100 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम है और विश्व मंगलयान तथा गगनयान के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ऐसे में देश का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा, टुडे व्हेन इंडिया लॉन्च 100 सैटेलाइट्स एट वन गो, व्हेन द वर्ल्ड डिस्कसेस मंगलयान एंड गगनयान, व्हेन अदर कंट्रीज ट्राई टू रिप्लिकेट अवर डिजिटल एप्स लाइक भीम, देन इट इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्री फर्दर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, वंचितों और उपेक्षितों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कड़े प्रयास कर रही है और हमारे नौजवानों तथा हमारी बेटियों में इसकी झलक देखी जा सकती है। उन्होंने कहा, वी आर वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पुअर, द डिप्राइव्ड एंड द अंडर प्रिविलेज। द इम्पैक्ट ऑफ दिस कैन बी सीन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ अवर यंग पीपल एंड अवर डॉटर्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इन खबरों का खंडन किया है कि आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किया जा रहा है। एक बयान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व जानबूझकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनुचित है। प्राधिकरण ने कहा कि आधार में किसी भी निवासी के विवरण की सुरक्षा का शुरू से आखिर तक पुख्ता प्रबंध किया गया है, जिससे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। प्राधिकरण ने लोगों को सलाह दी है कि अपना आधार बनवाने या मौजूदा आधार कार्ड में किसी भी तरह का परिवर्तन करवाने के लिए बैंक शाखाओं में उपलब्ध नामांकन केंद्रों, डाकघरों और सरकारी कार्यालयों में ही जाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बिजली दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 500 यूनिट प्रतिमाह तक खपत करने वाले परिवारों को बिजली दरों में अलग अलग स्तर पर छूट देने की घोषणा की। श्री खट्टर ने आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में बताया, 4.5 रूपये का रेट था 0 से 200 यूनिट पर मंथ, वो 2.5 रूपये कर दिया है। और इसमें भी जो लोग अपने बिलों को 50 यूनिट तक सीमित रखेंगे उनको 2 रूपये कर दिया। इस प्रकार से ये लाभ 500 यूनिट तक खर्च करने वाले प्रति महीने उनको भी मिलेगा। 1 अक्टूबर से ये योजना लागू होगी। लगभग 500 करोड़ रूपये से ऊपर का लाभ प्रति वर्ष जनता को मिलने वाला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा से हरियाणा के करीब 41,53,000 घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई दरों से 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 46.6% तक की कटौती हो जाएगी और परिवारों को लगभग 437 रुपए प्रति माह की बचत होगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि भगोड़े आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी से लिए गए 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दूसरे देशों के खातों में भेज दी। निदेशालय ने कहा कि मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा से प्राप्त राशि थाईलैंड, अमरीका, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमारात, इटली, जापान और हांगकांग भेजी गई। उधर चोकसी ने कुछ मीडिया संगठनों से बातचीत में निदेशालय के आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार बैंकों के साथ फर्जीवाड़े के बाद देश से भागे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कल भगोड़े मेहुल चोकसी का वीडियो सामने आने के बाद कानपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए नया कानून बनाया है। श्री राजनाथ सिंह छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। एक रिपोर्ट। 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों की 17वीं बरसी के मौके पर उस घटना का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने दोनों टावर उड़ाए वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास सिर्फ ज्ञान था, संस्कार और सामाजिक मूल्य नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युवा अपने देश और उसकी अहमियत को समझते हुए राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका अदा करें। उन्होंने मशहूर लेखक थॉमस फ्रीडमैन के लेख की चर्चा करते हुए कहा कि कोई आईटी कंपनी हो या फिर अलकायदा जैसे आतंकी संगठन, दोनों ही जगह पढ़े लिखे और प्रतिबद्ध युवाओं की टीम है, लेकिन अंतर संस्कारों का है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को आज प्रत्यर्पण के मामले में लंदन की एक अदालत में पेश होना है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े और काले धन के कारोबार के सिलसिले में भारत सरकार ने 62 वर्षीय शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व प्रमुख माल्या को भारत सौंपने का मामला दायर किया है। माना जा रहा है कि अदालत इस मामले की अंतिम सुनवाई जल्द ही करेगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम परंपरागत शिल्पकार और बेरोजगार युवाओं को गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम लगाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। प्रस्तुत है हमारे शिमला संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल के कुल्लू जिले में अनेक युवा महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिले की लगघाटी के राजकुमार ने ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है और 5 अन्य लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। मैंने एजुकेशन में एमफिल किया हुआ है, इसके बाद मुझे रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा था, तो मुझे यहाँ पर खादी बोर्ड के माध्यम से स्कीम पता चली, जिसमें हमें थोड़ा सब्सिडी भी मिलती है और रोजगार करने का भी एक प्रावधान प्राप्त हुआ। मेरा नाम कार्तिक चौधरी है और मैं अखाड़े का एक निवासी हूँ। मेरा कार वॉशिंग सेंटर है। मैंने ये यूनिट 2016 में स्टार्ट की थी। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत मैंने 4 लाख का लोन इसमें लिया था और आज मैं अपना यूनिट चला रहा हूँ। योजना के तहत इकाई लगाने के लिए खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का ऋण अनुदान पर आसानी से मिलता है। खादी ग्राम उद्योग कुल्लू के विकास अधिकारी विवेक शर्मा के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में योजना के माध्यम से करीब 690 लोगों को लाभ मिला है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में प्रदर्शनकारियों पर हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 32 लोग मारे गए और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि मोमन डारा में एकत्र हुए प्रदर्शनकारी पुलिस कमांडर बिलाल पाशा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। लंदन के ओवल में कल रात इंग्लैंड ने भारत को 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 118 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली। 464 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 345 रन ही बना पाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nasa.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद कनक। आशा आंगनवाड़ी कर्मियों का अक्टूबर से बड़ा मानदेय, प्रधानमंत्री ने लंबे समय से वृद्धि की मांग कर रही कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, अमर उजाला की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संसदीय समिति को बताया, फंसे कर्ज 2006 से 2008 के बीच बांटे गए।
हिंदुस्तान ने सुप्रीम फैसला शीर्षक से लिखा है, शीर्ष अदालत ने फरीदाबाद में कांत एनक्लेव के सभी मकानों और प्लॉट को अवैध ठहराया, वीवीआईपी बंगले जमींदोदाज होंगे। अमर उजाला ने यूनिटेक के 514 खरीदारों के लिए राहत भरी खबर दी है, जल्द मिल सकेगा फ्लैट। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति की नीलामी से मिले पैसे से दिए 5 प्रोजेक्ट के निर्माण के आदेश। हैदराबाद के निजाम म्यूजियम से चोरी, बेच कीमती चीजों की बरामदगी की खबर दैनिक भास्कर ने दी है। भास्कर ने बोला है, 2 किलो के वजनी के सोने का टिफिन चुराकर मुंबई भागे थे चोर, वे आलिशान होटल में रोज इसे टिफिन में खाना खाते थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर नए भारत के निर्माण का आह्वान किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किए जा सकने के बारे में आई खबरों का खंडन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बिजली दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की है और अफगानिस्तान में आत्मघाती बम हमले में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।